नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति श्रीवास्तव। आपने गीता महाकाव्य के बारे में तो जरूर सुना होगा। गीता हमारा महाकाव्य में से एक है। गीता की किताब में हमारे ऐसे उपदेश दिए हुए हैं जो उपदेश हमें सिखाते हैं कि अगर हम उन उपदेशों पर चलते हैं तो हमारी हार कभी नहीं हो सकती। इसलिए आज मैं आपके लिए वही लेकर आई हूँ। आज मैं बताऊँगी आपको कि गीता के उपदेश कौन से हैं जिन्हें मानकर अगर आप उन रास्तों पर चलते हैं तो आपकी कभी भी हार नहीं हो सकती। नंबर एक, शरीर का अस्थाई होना। कहते हैं भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि हमारा जो शरीर है वह एक कपड़े के टुकड़े के समान है, क्योंकि जैसे जब हमारा कोई पुराना कपड़ा फट जाता है तो हम उसे उतार कर नए कपड़े की जगह दे देते हैं, यानी कि उसे उतार कर नए कपड़े नए जगह ले लेते हैं। तो इसी प्रकार हमारा शरीर है कि हमारी आत्मा, हमारा शरीर बाहर तो सिर्फ शरीर है, आत्मा हमारा शरीर छोड़कर किसी और का शरीर प्रदान कर लेती है। इसलिए कहा जाता है कि यदि आप अपने शरीर को ना मानकर अंदर की आत्माओं को शुद्ध करें ताकि आपके अंदर होने वाली सारी नकारात्मक शक्तियां सब कुछ समाप्त हो सके और आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा आ सके। नंबर दो, डरे ना। भगवान कृष्ण ने गीता में एक खास उपदेश यह भी दिया है कि आप कभी भी डरे ना, क्योंकि हर व्यक्ति को कोई भी हो वह हमेशा मरने से डरता ही है, क्योंकि उसे हमेशा कुछ ना कुछ खोने का या फिर जो भी चीज़ उसके पास है संसार में जो उसे मिली है उन चीज़ों को उसे खोने का सबसे ज़्यादा डर रहता है। खोने का इतना ज़्यादा डर नहीं होता जितना उसे मौत का डर होता है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि आप कभी भी मृत्यु से ना डरे, क्योंकि मृत्यु चाहे वो सैनिक हो या फिर आम इंसान, उसकी मृत्यु होना तय है, लेकिन सांसारिक रूप से वह अपनी चीज़ों को कभी भी अपने मुंह ना लगाए। व्यक्ति मरने से पहले अपनी जो सांसारिक वस्तुएं होती हैं उनसे मुंह लगा बैठता है। इस कारण वह जाना भूल जाता है कि उसे एक न एक दिन यह संसार छोड़कर भी जाना है। नंबर तीन, कभी भी अपने आप पर संदेह ना करें। संदेह यानी सत्य पर हमेशा अपने आप को अटिल रखें, क्योंकि हमें पता है कि इंसान जो धरती पर आया है उस व्यक्ति को एक न एक दिन इस संसार को छोड़कर त्याग कर उसे जाना ही है, लेकिन फिर भी वह व्यक्ति उस बात पर संदेह करता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वह मौत को झूठ मानता है क्योंकि वह चाहता है कि इस संसार में जो आया है वो अपना जीवन पूरा करके जाए। लेकिन यह तो सिर्फ भगवान को ही पता है कि इंसान को कितनी देर के लिए धरती पर भेजा गया है। जैसे ही उसकी उम्र और उसका कार्य पूरा होता है वैसे ही उसकी मृत्यु पास आ जाती है। भगवान कृष्ण ने इसमें यह सबसे महत्वपूर्ण उपदेश दिया है। नंबर चार, अपनी इच्छाओं पर रखें काबू। क्योंकि जब कोई व्यक्ति पृथ्वी पर जन्म लेता है तो किसी का पुत्र होता है, तो किसी का पति होता है, किसी का चाचा होता है, किसी का मामा होता है या किसी का पापा होने वाला होता है। इसलिए उसकी इच्छाएं दिन पर दिन बढ़ती चली जाती हैं। ऐसे ही इंसानों की अपनी जिज्ञासा बढ़ती जाती है और वह कहता है कि वह ये ख्वाहिशें पूरी कर ले तभी उसकी मौत आए। लेकिन कृष्ण भगवान ने इस गीता में उपदेश दिया है कि आप अपनी जिज्ञासा यानी कि अपनी जो कोशिशें हैं उन पर पूरी काबू रखें ताकि वह आगे आने वाली परेशानियों को सह सकें और अपने आप को इतना जटिल बना सकें कि वह अपनी मौत का सामना कर सकें। नंबर पाँच, हर व्यक्ति को धरती पर कर्म करने के लिए भेजा जाता है, वह उस कर्म को पूरा कर ले। उस कर्म के अनुसार जिस कारण उस व्यक्ति को धरती पर भेजा गया है वह उस कारण को पूरा कर ले तो वह कभी भी अपने कर्म से होने वाले फल की इच्छा ना करे, क्योंकि जब वह कर्म करेगा तो उसे फल अवश्य ही मिलेगा। लेकिन यदि वह फल को चाहने की चाहत में लगा रहेगा तो वह कर्म कभी नहीं कर सकता। तो ये थे वह कारण कि भगवान कृष्ण ने गीता में क्या उपदेश दिए थे जिनके कारण आपको कभी भी हार नहीं हो सकती। तो ये है वह कारण। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक के लिए मैं प्रीति श्रीवास्तव आपसे इजाज़त लेती हूँ।